Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to the online platform of Examport. Welcome to this session Vocabulary with Iram Ma'am. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, English में vocabulary पे command पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इन sessions में Vocabulary with Iram Ma'am. और यहाँ पे हम English के word के meanings को देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि रटने की जरूरत ना पड़े. एक बार पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, लंबे time तक फिर हमें meaning याद रह जाए. क्योंकि difficulty यहीं पे आती है कि चीजें हम टाइम के साथ भूल जाते हैं. स्पेशली वोकैबुलरी की बात करें, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, स्पेलिंग करेक्शन. वोकैबुलरी याद रखना बहुत मुश्किल रहता है तो हम छोड़ देते हैं. इंग्लिश भी बहुत स्कोरिंग है. अगर आपकी वोकैबुलरी पे कमांड है तो आप इन क्वेश्चन को क्विकली और करेक्टली अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को. और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी वर्ड्स हम यहाँ पे सीखते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ, आपके किसी भी कंपटीशन, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, टीचिंग का हो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इन वर्ड्स से. जो भी वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ वो इम्पोर्टेंट है इन कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को. लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद सम नाइस लाइंस. लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू and 90% how you react to it. Yes, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Vocabulary की बात करो, competition की तैयारी कर रहे हैं, vocabulary जब synonyms पढ़ना start करते हैं ना, तो लगता है कि यार पढ़ते पढ़ते 10 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया, लगता है syllabus बहुत ज्यादा है. और दूसरी problem आती है, भूलने लगते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम इस quote को apply करें कि life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. अगर आपने वहीं पे give up कर दिया और vocabulary छोड़ दी, तो English में कैसे score कर पाओगे? तो give up नहीं करना है, उस पे ऐसा reaction, positive reaction, vocabulary पे command पाना है. ऐसे पाना है कि सारे questions आप बहुत आसानी से करो. और vocabulary जो है आपकी passage में भी help मिलती है. Passage में vocabulary पे command है तो बहुत जल्दी समझ में आता है passage और आप आसानी से quickly questions को attempt कर पाते हो. ठीक है, तो start करेंगे, वर्ड सीखेंगे. पहला वर्ड जो हम आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं, दैट इज फिकल. फिकल, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना, बोलते टाइम हम गलतियां कर लेते हैं. तो गलत नहीं बोलना है, तो वर्ड को प्रोनाउंस करना, वो उस पर भी ध्यान देंगे. फिकल, फिकल इट्स एन एडजेक्टिव. फिकल का मतलब होता है, फिकल का मतलब होता है, देखो मीनिंग देखो, लाइबल टू सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंज. अनप्रेडिक्टेबल चेंज, जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे. और सडन चेंज हो रहा है, अचानक कोई चीज बदल रही है, अचानक बदल रही है, आपने पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया. जैसे हम वेदर प्रेडिक्ट करते हैं ना, वेदर प्रेडिक्शंस के कल बारिश हो सकती है या कल बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है, प्रेडिक्शंस करते हैं. तो फिकल होता है कोई चेंज, एक ऐसा चेंज जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, अचानक से हो रही है. ठीक है, वर्ड बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. इसका मीनिंग अगर डेप्थ में समझोगे, सिंपली आप इसके मीनिंग को समझो, तो चेंज से है. कैसा चेंज? सडन चेंज और अनप्रेडिक्टेबल है. थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पे माइंड और फीलिंग्स की बात होती है. माइंड एंड फीलिंग्स. आप कोई ऐसा पर्सन है जिसकी माइंड हर टाइम बदलता रहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है. ठीक है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ और चाहता है. उसकी फीलिंग्स बदलती रहती है. फीलिंग्स बदलती है, माइंड बदलता है, उसके डिसीशन बदलते हैं, उसके एक्शन बदलते हैं. तो इस तरह के चेंज के लिए हम टर्म यूज करते हैं फिकल, या ऐसे पर्सन के लिए हम टर्म यूज करेंगे फिकल. क्लियर? क्लियर. वर्ड प्रोनाउंस करना आसान है, मतलब समझ में आया. अब इस वर्ड के मतलब को ऐसे याद करना है कि लंबे टाइम तक याद रह जाए, भूले ना. क्योंकि मीनिंग समझने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डिफिकल्टी कहाँ है. हम चीजों को टाइम के साथ भूल जाते हैं. कई बार होता है ना, कॉम्पिटिशन में बैठे हुए चार ऑप्शन सामने होता है और लगता है कि यार ये वर्ड पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा. तो इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करना है यहाँ पे. इस वोकैबुलरी सेशंस में हम यही चीज करने वाले हैं कि मीनिंग को ऐसे देखेंगे कि हम भूले ना. ठीक है, तो फिकल वर्ड को रिलेट करेंगे. आप पिक्चर देख सकते हो, यू हैव अ पिक्चर ऑन द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. एक पिक्चर देखो, क्या है? मिक्स्ड पिकल्स. मिक्स्ड पिकल्स है अचार. ठीक है, अचार. अचार इंडियन कुजीन, इंडियन खाने की बात करें तो अचार तो बहुत कॉमन सी चीज है. दादी नानी के घरों से अचार आया करते थे. ठीक है, सभी फेमिलियर होंगे इस चीज से. ठीक है, पिकल अचार. ठीक है, तो वर्ड देखो, वर्ड के अंदर से पिकल, फिकल, पिकल. वर्ड के अंदर से हमने निकाला पिकल, पिकल, फिकल, पिकल.
पिकल पिकल वर्ड के अंदर से हमने निकाला पिकल. अब इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि फिकल के मीनिंग को हम ऐसे याद कर लें कि भूले ना, ठीक है. तो फिकल से हमने पिकल निकाला. पिकल से दिमाग में क्या आता है, पिकल से दिमाग में क्या आता है, पिकल अचार. इसको रिलेट करो एक आप लोग फेमिलियर होंगे, यू माइट बी फेमिलियर, प्रेग्नेंट लेडी से रिलेट करो. प्रेग्नेंट लेडी क्या होती है, उसके ना मूड चेंज होते हैं, फीलिंग्स चेंज होते हैं. और अचार वाली बात तो बहुत कॉमन है कि अचार खाने का मन कर रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है. ये बात बहुत कॉमन है, आप इंडियन सोसाइटी में अपब्रिंगिंग हुई, आप ये चीज समझते हो, ये चीज बहुत कॉमन है. कहते हैं कि उसका अचार खाने का मन कर रहा है, ठीक है, खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा है, उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, उसकी माइंड चेंज हो रहा है. तो इस चीज से रिलेट करो. वर्ड क्या था, फिकल. मतलब आपने समझा, फिकल का मतलब चेंज से है, चेंज इन माइंड, फीलिंग्स, बिहेवियर, ठीक है. इसको याद करने के लिए, लंबे टाइम तक याद रह जाए, आपने रिलेट किया पिकल से एंड प्रेग्नेंट लेडी से. प्रेग्नेंट लेडीज का माइंड, फीलिंग्स चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो जब चेंज होती रहती है तो उनका अचार खाने का मन करता है, उनकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, कई बार वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाती हैं. तो माइंड चेंज हो रहा है, फीलिंग्स चेंज हो रही है, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से रिलेट करके इस वर्ड को याद कर लें, लंबे टाइम तक याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं. नेक्स्ट टाइम कभी भी वर्ड आपके सामने होगा फिकल, फॉरन माइंड में आएगा कि फिकल से क्या देखा था हमने, फिकल से हमने क्या देखा था, फिकल से मैम ने क्या बताया था, पिकल से मैम ने बताया था. यहां से निकाला हमने पिकल और इसको रिलेट किया प्रेग्नेंट लेडी से. और आप सभी जानते हो प्रेग्नेंट लेडी के इमोशंस और माइंड चेंज होते हैं बहुत तेजी से प्रेगनेंसी के टाइम पे. तो इस चीज को रिलेट करके वर्ड के मीनिंग को याद करो, लंबे टाइम तक याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं, ठीक है. क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना. एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं. फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस यूजुअली बेस ऑन अ फिकल पब्लिक्स डिमांड. फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस यूजुअली बेस ऑन अ फिकल पब्लिक्स डिमांड. देखो पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी प्राइसेस होती हैं, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस. फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है, बल्ब फ्लक्चुएट करता है ना, बल्ब फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी ऑन है कभी ऑफ है, ठीक है. अगर प्राइसेस की बात करो, प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएट भी चेंज से है. प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं मतलब कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, राइट. तो फ्लक्चुएटिंग भी चेंज हो गया, कभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं. और ये जो है ना, ये किस चीज पर बेस्ड है, किस चीज पर बेस्ड है ये चीज, फिकल पब्लिक्स डिमांड. पब्लिक के डिमांड फिकल है, चेंज हो रहे हैं. पब्लिक को कभी कुछ पसंद आता है कभी कुछ. कोई भी ब्रांड, ब्रांड कब बनता है, जब पब्लिक में उसे पसंद किया जाने लगता है, जब लोग कस्टमर्स उसे पसंद करने लगते हैं, वो ब्रांड बनता है. मान लो कस्टमर ने कोई एक इंसिडेंट हो गया और कस्टमर को वो चीज पसंद नहीं आई, फिर कस्टमर्स जो है ना उसके उसको खरीदना बंद कर देंगे, तो वो क्या है, उस वो ब्रांड नीचे गिर जाता है, राइट. यही तो होता है ना, यही तो होता है कि पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग, जो पब्लिक की डिमांड चेंज हो रही है, उनके मूड और इमोशंस फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो चेंज उनका डिमांड चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस चेंज हो रही है, ठीक है. क्लियर, एग्जांपल क्लियर है, फिकल वर्ड समझ में आया, मीनिंग समझ में आया. इस तरीके से याद करोगे, ट्रस्ट मी आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है. तो अब कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देखेंगे. एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम में सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं. तो कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देखेंगे और कुछ ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स भी देखेंगे. तो सिनोनिम्स में देख लें, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, वेरिएबल, वॉलेटाइल, ये सारे ही आपके सिनोनिम्स हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं फिकल के. मर्क्यूरियल, कैप्रिशियस, वेरिएबल, वॉलेटाइल. मर्क्यूरियल, कैप्रिशियस, वेरिएबल, वॉलेटाइल. अब देखो मर्क्यूरियल कैसे याद करेंगे, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को. मर्क्यूरियल कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को. मर्क्यूरियल जो थर्मामीटर होती है, आप थर्मामीटर में यहाँ पे मर्करी लगी होती है, ठीक है. ये मर्करी राइज होती है, ऊपर बढ़ती है, ठीक है. मर्क्यूरियल, यहां से आपने निकाला मर्करी, मर्क्यूरियल यहां से आपने निकाला मर्करी. थर्मामीटर में मर्करी, आपको फीवर होता है, बुखार होता है, कोल्ड होता है. तो फीवर जब आया, जब बुखार आया, आप थर्मामीटर का यूज करते हो. थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता है तभी तो पता चलता है ना कि फीवर है और कितना फीवर है. तो वो जो टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है
वहां पे एक मरकरी होती है, एक मरकरी लगी होती है जो राइज करती है, जिससे आपको टेम्परेचर पता चलता है। तो मर्क्यूरियल के अंदर से निकाल लो मरकरी, मर्क्यूरियल के अंदर से निकाल लो मरकरी, मरकरी राइज कर रही है या फिर ड्रॉप कर रही है, जब फीवर बढ़ गया या फीवर कम हो गया तो मरकरी चेंज हो रही है ना, तो मर्क्यूरियल का मतलब भी क्या हो गया, चेंज। क्लियर, मर्क्यूरियल का मतलब भी क्या हो गया, चेंज। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस। अगर इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करो, और अगर किया है तो आपको ये कैप्रिशियस बहुत अच्छे से याद होगा। मैंने आपको बताया था कैप्रिशियस, कैप्रिशियस वर्ड कैसे सिखाया था, कैप्रिशियस। प्रोनंसिएशन ध्यान दो, कैप्रिशियस नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस। क्लियर, यहां पर देखो ध्यान दो, कैप्रिशियस, कैप, कैप या हैट, प्राइस, प्राइस यानी कॉस्ट कह लो या रेट कह लो, ठीक है, कॉस्ट कह लो या रेट कह लो। लड़कियां बड़ी मूडी होती हैं, कहते हैं ना कि लड़कियों का मूड कब क्या बोले कब क्या सोचे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं आता। तो कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब भी होता है चेंज, कैप्रिशियस का मतलब भी आपका किससे है, चेंज से। कोई आपकी सिस्टर है या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसे बहुत दिनों से वो कहती मुझे कैप चाहिए हैट चाहिए, आप उसे दिलाने ले गए, ठीक है, प्राइस देखा आपने, प्राइस है अच्छा है, ठीक है, रेट्स भी अच्छे हैं, अच्छी शॉप पे ले गए, बहुत दिनों से जिद थी कि चाहिए, लेकिन वहां जाके उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं खरीदना, तो आप ऐसे हो गए कि यार ये क्या था, ये सडन चेंज क्या था जो मेरे समझ के बाहर है। तो दिस सडन चेंज विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसके लिए आप टर्म यूज करोगे कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, ठीक है। तो चेंज वर्ड आ रहा है ना, चेंज, तो फिकल का मतलब भी चेंज से, फिकल का मतलब भी चेंज से, तो हम एज अ सिनोनिम में रिलेटेड टर्म्स में कैप्रिशियस भी देखने को मिल जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो देखने को आपको मिल सकते हैं कैप्रिशियस, फिकल। क्लियर, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल भी ऐसी हो गया आपका, मर्क्यूरियल भी ऐसी हो गया आपका, ठीक है, तो सिनोनिम में आपको मर्क्यूरियल भी पूछ सकते हैं, तो मर्क्यूरियल भी आपका क्या हो गया, चेंज से रिलेटेड है, तो सिनोनिम में ये भी देखने को मिल जाता है क्वेश्चंस में। क्लियर, देन नेक्स्ट टर्म है आपका वॉलेटाइल, वेरिएबल, वेरिएबल तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, आई होप सबको पता होगा वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंज, ठीक है, वेरिएबल। मैथ्स में जब आप पढ़ते हो वेरिएबल लेते हो ना, कोई वेरिएबल्स लेते हो, एक्स, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो मैथ्स वाले समझते हैं वेरिएबल का मतलब भी चेंज है, ठीक है, कॉमन सा वर्ड है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल जैसे हम कहते हैं पेट्रोल जो है वो वॉलेटाइल है, कोई ऐसा लिक्विड जो सडन गैस में चेंज हो जाता है तो वॉलेटाइल कहते हैं, तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया, जैसे आपने बोला पेट्रोल इज अ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल इज ए वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड मतलब पेट्रोल जो है ना वो आपका फॉरेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फॉरेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड से वो गैस में गया तो चेंज आया ना, एक लिक्विड से वो गैस में गया तो एक तरह का चेंज आया, स्टेट बदल गई उसकी, तो वॉलेटाइल वर्ड का मतलब आपका चेंज से है, ठीक है, क्लियर। तो एज अ सिनोनिम हम वॉलेटाइल भी कह सकते हैं, ये देखने को हमें मिल जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जब क्वेश्चंस होते हैं और चार ऑप्शंस होते हैं तो वॉलेटाइल भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, इजी, पेपर का लेवल इजी होगा, वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, वेरिएबल डिफिकल्ट होगा, कैप्रिशियस या मर्क्यूरियल देखने को मिल सकता है, ठीक है, फिकल आसान सा वर्ड है, क्लियर, क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, आसान था ना। नेक्स्ट टाइम कभी भी फिकल वर्ड देखोगे फॉरेन माइंड में क्लिक करेगा पिकल, और पिकल से मैम ने क्या बताया था, क्लियर। अब कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, ऑपोजिट मीनिंग देख लेते हैं, अगर फिकल का मतलब चेंज से है तो ऑपोजिट में क्या कहोगे, कोई ऐसी चीज जो रुकी हुई है, जो थमी हुई है, जो मतलब एक यूनिफॉर्म रेट के साथ चल रही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट के साथ चल रही है, कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब जिसमें चेंज नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट है। मैथ्स में लेते हैं ना, मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही, एक वेरिएबल होता है एक कॉन्स्टेंट होता है, समझ में आता है ना, कॉन्स्टेंट, और वैसे भी समझ में आता है कॉन्स्टेंट है, थमा हुआ है, ठीक है, स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, ठीक है, लाइफ में भी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिशन क्लियर क्यों कर रहे हो, जॉब पानी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, जब तक स्टेबल नहीं होगे इधर उधर भागते रहोगे, चेंज करते रहोगे, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, कभी कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे, एक बार
स्टेबल हो गए, मतलब एक जगह पे आके टिक गए, ठीक है, स्टेबल, रिलायबल, रिलायबल जिस पे आप रिलाई कर सको, रिलायबल मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। तो ट्रस्ट और भरोसा किस पे करोगे, जो चीज रुकी हुई है, चेंज नहीं हो रही, मतलब जो चीज बदले ना, ठीक है। पर्सन की बात कर लो, किसी ब्रांड की बात कर लो, ब्रांड्स पे आप रिलाई क्यों करते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपने आप में एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, उस पर आप रिलाई कर सकते हो, खराब नहीं होगा। या कोई पर्सन है उस पर रिलाई कर सकते हो, मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, वो बदलेगा नहीं टाइम के साथ, ठीक है, क्लियर। तो रिलायबल एंटोनिम में हम कह सकते हैं, क्लियर है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट में वोकैबुलरी पे कमांड पाना बहुत आसान है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ जुड़िए इन सेशंस में वोकैबुलरी विद इरम मैम, और अपनी वोकैबुलरी पे कमांड पाइए। वोकैबुलरी पे कमांड होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, ये सारे ही आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड नॉट ओनली दिस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैसेज, दोनों में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी वोकैबुलरी बेस्ड देखने को मिल जाते हैं, पैसेज में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर वोकैबुलरी पे कमांड है तो पैसेज में जो भी लिखा हुआ है ना, वो एक भाषा ही तो है, एक लैंग्वेज ही तो है, वर्ड्स आपको पता है तो वो पैसेज, वो भाषा, वो लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है वो समझ में आएगा। जितनी जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी आंसर्स आप कर पाओगे, है ना। तो वोकैबुलरी पे कमांड हो जाएगा ना, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी इजी टू क्रैम द वर्ड्स, मीनिंग को याद करना, क्रैम करना, लंबे टाइम तक याद रखना बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्या है वर्ड, ग्लूटन। प्रोनंसिएशन आसान है, ग्लूटन, ग्लूटन, प्रोनंसिएशन इज वेरी इजी, इट्स अ नाउन, ग्लूटन, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। आज के जमाने में ना फूड को लेके लोगों के बीच में बहुत ज्यादा शौक पैदा हो रहा है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, अच्छी अच्छी खाने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आजकल फूड की वेराइटीज भी बदल गई है, ठीक है, पहले तो पिज्जा और बर्गर ही था, अभी बहुत सी वैरायटीज भी आ गई हैं। तो ग्लूटन, ग्लूटन एक काफी अच्छा वर्ड है। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है वन हु ईट्स अ लॉट, ग्लूटन का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स अ लॉट, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरता, खाए चले जाते हैं, पेटू कहते हो आप उन्हें, या अबे मोटे कितना खाएगा, ऐसे कहते हो ना। तो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा खाते हैं, भूख लगी है खा लिया ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा शौक है खाने का, तो ऐसे लोगों को पेटू, इन हिंदी आप कह सकते हो पेटू, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ग्लूटन। ग्लूटन याद कैसे करोगे, मटन, मटन, ग्लूटन, ग्लूटन से आपने निकाला मटन, ग्लूटन से आपने निकाला मटन, मटन इज अ मीट, ठीक है। मटन, मटन से क्या दिमाग में आता है, मटन से आपके दिमाग में क्या आता है, फूड, राइट, फूड। तो ये वर्ड किससे रिलेटेड है, फूड से, मटन से रिलेट कर लो, फूड से रिलेटेड है, और मतलब समझो कि ग्लूटन का मतलब पेटू, वन हु ईट्स अ लॉट, वन हु ईट्स टू मच। आसान है, आसान है, ऐसे रिलेट करके याद करो, कभी नहीं भूलोगे। ग्लूटन मटन, ग्लूटन मटन, वन हु ईट्स अ लॉट, ग्लूटन मटन, वन हु ईट्स अ लॉट। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा एक चीज और समझेंगे, कई बार होता है ना वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं, वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं, और कंपटीशन में अगर ऑप्शन में मान लो ग्लूटेन से रिलेटेड ऑप्शन वन हु ईट्स अ लॉट आपको मिल नहीं रहा जबकि कुछ और आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि यार ग्लूटेन का मतलब तो हमने ये समझा था कि पेटू, जो बहुत खाता है, लेकिन ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम आती है, और ये जब आती है जब आप एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं और आपको एक ही पता होता है, ठीक है। तो ग्लूटेन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ग्लूटेन के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कि बहुत ज्यादा खाना, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना, अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट। सेकंड मीनिंग होता है कि यू वांट मोर ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, यू वांट मोर ऑफ समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट, यू वांट मोर ऑफ समथिंग That is unpleasant. मतलब आपको ज्यादा ज्यादा चाहिए लेकिन वो चीज सही नहीं है, more of something that is unpleasant. ज्यादा चाहिए लेकिन वो चीज सही नहीं है। अब इमेजिन करो, कहते हैं ना कि डॉक्टर्स कहते हैं ना कि खाना सिर्फ उतना खाओ जितना रिक्वायरमेंट है, टू मच फूड और टू लेस फूड, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा है जरूरत से कम है तो वो हानिकारक है, सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो ओबीज हो जाता है, फैट हो जाता है, ठीक है, उसका वेट गेन हो जाता है, वो लेजी हो जाता है। तो जो खाना आप खा रहे हो ज्यादा खा रहे हो तो ज्यादा खा रहे हो तो वो चीज सही नहीं है, राइट, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट,
ठीक है। अब अनप्लेजेंट जरूरी नहीं है खाना है, कोई चीज भी हो सकती है ना, कोई चीज भी हो सकती है। तो कोई चीज भी, जो चीज आप चाह रहे हो, मतलब आपकी डिजायर है कि मुझे ज्यादा चाहिए, लेकिन वो ज्यादा में वो चीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है, ठीक है, प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है, तो इसके लिए भी कई बार हम टर्म यूज करते हैं ग्लूटन। कई बार इसके लिए भी हम टर्म यूज करते हैं ग्लूटन। फूड के अलावा भी कुछ चीजों के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं ग्लूटन, ठीक है, क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स देखो फिर क्लियर होता है, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर मीनिंग और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ही इज अ ग्लूटन फॉर वर्क, ही इज अ ग्लूटन फॉर वर्क, ही स्टेज लेट एवरी इवनिंग। सेंटेंस देखें आपके सामने, सेंटेंस एक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ही इज अ ग्लूटन फॉर वर्क, ही स्टेज लेट एवरी इवनिंग। अब आपने ग्लूटन तो समझा कि पेटू जो खाता है, यहां पर देखो वर्क काम की बात हो रही है, वो हमेशा लेट रुकता है, हर इवनिंग हर शाम वो लेट रुकता है, ही इज अ ग्लूटन फॉर वर्क। तो यहाँ पे खाने का मतलब नहीं, यहाँ पे है क्या, उसको काम बहुत पसंद है। जैसे किसी को खाना बहुत पसंद है और वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा खा लूं, वैसे उसको काम बहुत पसंद है, वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा काम कर लूं, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, इज बैड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूटन का मतलब क्लियर हुआ, वॉन्टिंग टू मच वर्क, ठीक है, और हद से ज्यादा काम भी जरूरी नहीं है, फैमिली लाइफ भी होती है ना, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, तो हद से ज्यादा चीजें सही नहीं है, ठीक है। जैसे हद से ज्यादा खाना ठीक नहीं है, तो हद से ज्यादा वर्क भी ठीक नहीं है। क्लियर, मीनिंग क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शंस में अगर कुछ अलग दिखने को दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोफी इज अ ग्लूटन फॉर बुक्स, सोफी इज अ ग्लूटन फॉर बुक्स, वन कैन बी ग्लूटन फॉर पिज्जा, सेम वे वन कैन बी ग्लूटन फॉर बुक्स। कोई पर्सन है जिसे खाने का बहुत शौक है, वो बहुत खाता है, उसे पिज्जा बहुत पसंद है, ही कैन बी ग्लूटन फॉर पिज्जा, ठीक है, पिज्जा। सोफी इज अ ग्लूटन फॉर बुक्स, उसे किताबों का बहुत शौक है, उसे बहुत किताबें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अ ग्लूटन फॉर पेटी क्राइम्स, पेटी क्राइम्स छोटे मोटे क्राइम्स, ठीक है, पेटी क्राइम्स छोटे मोटे अपराध, जैसे जैसे रेड लाइट ट्रैफिक, ट्रैफिक रिलेटेड आपने कोई लॉ ब्रेक कर दिया, ठीक है, रेड लाइट क्रॉस कर दी, छोटे मोटे क्राइम्स, पेटी क्राइम्स, तो ही इज अ ग्लूटन फॉर पेटी क्राइम्स, उसे मजा आता है, उसे ज्यादा से ज्यादा पेटी क्राइम्स करने का शौक है, ज्यादा से ज्यादा करता है, विच इज नॉट राइट, ठीक है, पेटी क्राइम्स करना सही नहीं है ना, लेकिन गलत चीज कर रहा है और उसे मजा आ रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो सेंस समझ में आया, ग्लूटन का मतलब समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्लूटन, वन हु ईट्स अ लॉट ग्लूटन, अ ग्लूटन डिराइव्स सेंसुअल प्लेजर्स फ्रॉम ईटिंग, अ ग्लूटन डिराइव्स सेंसुअल प्लेजर्स फ्रॉम ईटिंग, मतलब कोई ग्लूटन है, कोई पेटू है, तो उसका अगर मूड खराब है, आप उसे खाना दे दो, देखो कितना अच्छा हो जाएगा मूड, ये फैक्ट है। जिन्हें खाने, जिन लोगों को खाने का शौक होता है ना, उनका मूड खराब हो या कोई लाइफ में कोई डिफिकल्ट टाइम चल रही हो, उनको खाने पे ले जाओ, रेस्टोरेंट ले जाओ, वो फॉरन अच्छे मूड में आ जाते हैं। तो ग्लूटन क्या है, ग्लूटन डिराइव्स अ ग्लूटन पर्सन, अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, अ ग्लूटन डिराइव्स सेंसुअल प्लेजर्स, उन्हें मजा आता है खाने से, ठीक है, खाने से उन्हें मजा आता है, क्लियर। हर किसी का, मान लो आप परेशान हो तो आपको, मान लो फ्रेश एयर लेके थोड़ा बेटर फील होगा, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नेचर में जाके थोड़ा बेटर फील होता है, कुछ लोग होंगे फॉरेन रेस्टोरेंट जाएंगे खाएंगे, उन्हें खा के थोड़ा बेटर फील होगा, क्लियर। तो ग्लूटन सेंसुअल प्लेजर लेता है फ्रॉम ईटिंग, क्लियर, क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। आप कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देखेंगे, ठीक है, सिनोनिम्स देख लो, गोमेट गोमेंट, गोमेट गोमेंट, ग्लूटेन गोमेंट गोमेंट, ये तीन वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फूड, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू मच फूड, क्लियर, क्लियर, गोमेंट गोमेंट, क्लियर है। वर्ड को ध्यान से देखेंगे, काफी रिलेटेड वर्ड्स है, रिलेटेड वर्ड्स है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, रिलेटेड वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझेंगे, एक आपने वर्ड देखा ग्लूटेन, एक चीज समझेंगे, एक आपने वर्ड देखा ग्लूटेन, एक वर्ड है गवर्नमेंट एंड द थर्ड वर्ड इज गवर्नमेंट, ये तीनों ही वर्ड्स आपके रिलेटेड हैं, पर्सन हु लाइक्स फूड, हु लाइक्स फूड और हु ईट्स फूड, पर्सन हु लाइक्स फूड और हु ईट्स फूड,
ठीक है, अब डिफरेंस को समझेंगे, पर्सन हु लाइक्स और हु ईट्स फूड, अब डिफरेंस को थोड़ा सा समझेंगे, तीनों वर्ड आपका फूड से रिलेटेड है, और एक ऐसा पर्सन जो खाने का शौकीन हो, तीनों वर्ड इसी से रिलेटेड है, एक ऐसा पर्सन जो खाने का शौकीन हो, तीनों वर्ड इससे रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उस चीज को समझ लेंगे। ग्लूटेन क्या है, पेटू कह सकते हो, सिंपली इन शॉर्ट कह सकते हो पेटू, हु ईट्स अ लॉट, मात्राओं की गलतियां होंगी उसको इग्नोर करेंगे। गोमेंट, गोमेंट होता है जिसे खाने पीने का बहुत शौक हो, ग्लूटेन होता है खाने पीने का शौक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये ग्लूटेन के सामने कुछ भी रख दोगे वो खा लेगा, उसे बस खाना चाहिए, है ना, उसे बस खाना चाहिए, उसे कुछ भी रख दो वो खा लेगा। अगर आप प्लेट आप चार पांच लोग एक साथ बैठ के खा रहे हो और पूरी दस्तखान लगी हुई है, पूरी टेबल सजी हुई है खानों से, सबने थोड़ा थोड़ा मतलब जितना था सबका रिक्वायरमेंट नीड थी उतना खाया, सब उठ गया, लेकिन ग्लूटेन क्या करेगा, उसकी कोशिश होगी कि जो भी चीज है सब खा लो, जो भी चीज है सब खा लो, उसको बोलते हैं ग्लूटेन। लेकिन गोमेंट क्या होते हैं, गोमेंट होते हैं जिन्हें शौक होता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, शौक होगा स्पेसिफिक क्या चीजें खा रहे हैं वो, ठीक है, कौन सा खाना खाना है वो, मतलब देख के अच्छा ये चीज है शौक से खाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी समझेंगे, मान लो ग्लूटेन है, उसको आपने एक चॉकलेट पकड़ा दी, वो देखेगा नहीं कि कौन से ब्रांड का चॉकलेट है, कौन सा चॉकलेट है, फ्लेवर क्या है, वो बस खा जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा, वो देखेगा फ्लेवर को समझेगा, अगर उसके पसंद का है तो खाएगा, ठीक है, खाने का शौक है, लेकिन वो चेक भी करेगा कि मेरे शौक के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट होता है जिसे खाने पीने में एक्सपर्ट कह सकते हो, एक्सपर्ट इन फूड, एक्सपर्ट कह सकते हो, एक्सपर्ट इन फूड, ठीक है, एक्सपर्ट इन फूड, इसमें एक्सपर्टीज में क्या आ गया, एक्सपर्टीज में सिर्फ खाने से नहीं आ गया, उसे कुजींस की नॉलेज होगी, उसे कुजींस की नॉलेज होगी, उसे रेस्टोरेंट्स में जाके वो चॉइसेस कर पाएगा फूड की, कि कौन सा फूड कब लेना चाहिए, वो चॉइस कर पाएगा। कई लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, अच्छे हाई फाई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वो जब मेन्यू आता है तो वो चूज नहीं कर पाते, उन्हें कई सारे मेन्यू में चीजें तो समझ में ही नहीं आती, तो गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन होगा जो एक्सपर्ट होगा, जिसे बहुत नॉलेज होगी, ठीक है, जिसे काफी नॉलेज होगी फूड की और फूड से रिलेटेड चीजों की, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, कुजींस हो गए, देन कैसे आपको मतलब टेबल मैनर्स एंड एवरीथिंग, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा, क्लियर। तो रिलेटेड टर्म्स हैं, डिफरेंस को समझे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रखना है कि ये सारे वर्ड्स आपके खाने से रिलेटेड है, अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, ठीक है, इन डेप्थ में मीनिंग को आप समझ सकते हो, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बस इतना समझ लो कि ये सारे वर्ड्स आपके खाने से रिलेटेड है, पर्सन, पर्सन हु ईट्स अ लॉट, ये वर्ड देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। डेप्थ में मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश पढ़ रहे हो, वर्ड सीख रहे हो, तो थोड़ी नॉलेज डेप्थ में होनी चाहिए, बट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बस ये तीन वर्ड आपके खाने से रिलेटेड हैं, और एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है, इतना याद रखना है, ठीक है। एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग देखेंगे, अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है तो ऑपोजिट में क्या कहोगे, जो कम खाता हो, ठीक है, जो कम खाता हो, देखो डाइटर, डाइटर जो डाइट करते हैं, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, जिनका सेल्फ कंट्रोल होगा, ऑपोजिट में आप सेल्फ कंट्रोल कह सकते हो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल है, सामने कितना भी डिलीशियस फूड हो आप नहीं खाओगे, बिकॉज यू नो कि मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है मेरा हो गया, आप नहीं, ठीक है, सेल्फ रेस्ट्रेंट, कंट्रोल होगा खुद पे, क्लियर। तो एंटोनिम्स में आप डाइटर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट बोल सकते हैं, क्लियर है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है, आसान थी चीजें। नेक्स्ट वर्ड हम सीखने वाले हैं कन्फिस्केट, नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे दैट इज कन्फिस्केट, 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 कन्फिस्केट होता है जब्त कर लेना। पिक्चर देखो बोर्ड पे, मीनिंग को समझते हैं, टू ऑफिशियली टेक पोजिशन अवे, टू ऑफिशियली टेक पोजिशन अवे, मतलब किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का पोजिशन है, बिलोंगिंग्स है, उसको आपने सीज कर लिया, उसको आपने जब्त कर लिया, ठीक है, फॉर लीगल reasons, फॉर सिक्योरिटी reasons, सिक्योरिटी purpose के लिए या लीगल रीजन के लिए आपने जब्त कर लिया, मतलब चीज आपकी है, वो प्रॉपर्टी हो या कोई भी बिलोंगिंग हो, जैसे कार हो गई, ठीक है, कार है, आपका घर है, ठीक है, या आपका सेलफोन है, वो चीज आपकी है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजन, फॉर लीगल reasons, फॉर सम reasons आपसे ले ली गई वो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्फिस्केट। अब वर्ड को याद समझ लिया मीनिंग, लेकिन लंबे टाइम तक याद रह जाए भूले ना, इसके लिए वर्ड को ऐसे याद करेंगे, इसके लिए आप रिलेट करो, देखो आपके सामने पिक्चर दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, अब वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे, वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे, कन्फस्केट, कन्फस्केट,
मान लो कौन था हिंदी वाला कौन कर लो, कौन था, किसने गलती की है, यू डोंट नो, लेकिन आपने उस बंदे को, उस पर्सन को बिना मतलब का फंसा दिया, ठीक है, फंसा दिया हिंदी में, फंसा दिया यानी फसकेट, फस से आपने कर लिया, फस से आपने कर लिया फंसा देना, ठीक है, फस से आपने कर लिया फंसा देना, क्लियर। कौन से आपने कर लिया, कौन, हु, कौन से आपने कर लिया, कौन, हु, मतलब कौन था, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसी अफवाह उड़ी है कि कुछ गलत हुआ है, कौन क्राइम, कौन कल्प्रिट था, आपको नहीं पता, उसको फंसा दिया, वो फंस गया बेचारा, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी को आपने कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को आपने कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। इसको ऐसे समझ लो, कई बार होता है ना, कई सारे लड़के होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों का एक ग्रुप होता है और रात में रैश ड्राइविंग करते हैं, इस पे कई सारे केसेस सुनने को मिलते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, कुछ गलत क्राइम हो गया, ठीक है, तो मान लो छोटा सा पेटी क्राइम हो गया, रेड लाइट क्रॉस कर दिया, बहुत फास्ट स्पीड में कार चला रहे थे, चार दोस्त अंदर बैठे हैं, किसने कार चलाई, कौन फास्ट स्पीड में चला रहा था नहीं पता, लेकिन कार जिसकी थी वो फंस गया बेचारा, उसकी कार को जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया, उसकी कार ले ली, क्यों ले ली, क्योंकि उसने कुछ गलत किया, ठीक है, ये माना गया कि उसने कुछ गलत किया। तो कई बार जो है ना, ये इसका मिस यूज भी होता है, कार आपके नाम पे है, चला कोई और रहा है, गलती उसने करी है, लेकिन अब क्या है, चीज आपकी थी तो उसको जब्त कर लिया गया, ठीक है। तो कन्फिस्केट का मतलब समझ में आया, इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो, कन्फिस्केट, कन्फिस्केट, इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। गेट से आप ये भी कर सकते हो, गेट है, गेट से आप ये भी कर सकते हो, गेट है, और इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि मान लो कोई गेट है, यहाँ पे कोई गेट था और यहां से स्पीड में कार आई, रात में रैश ड्राइविंग, स्पीड में कार आई और इसने गेट पे टक्कर हो गई, गेट क्रैश हो गया, पूरा टूट गया, फिर इस पे पुलिस में केस गया और कार जिसकी थी उसको बुलाया गया, वो फंस गया बेचारा और उसकी कार को जब्त कर लिया गया। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर ले, क्लियर, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज पेरेंट्स विल कन्फिस्केट हिज कार इफ ही गेट्स अनदर स्पीडिंग टिकट, अगर एक और स्पीडिंग टिकट मिला उसे, तो उसके पेरेंट्स उसकी कार को क्या कर लेंगे, कन्फिस्केट कर लेंगे, ले लेंगे, कार तो उस बेटे को दे रखी है, बेटे के नाम पे है, कार बेटे की है, ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने कुछ गलत किया है, लीगल सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, किसी रीजन की वजह से उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बिलोंगिंग को, उसकी पोजीशन को आपने जब्त कर लिया, क्लियर है, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। चलो कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देख लेते हैं। सीज, सीज करना बहुत आसान सा वर्ड है, असर्व, असर्व, जर्ब, हाईजैक, हाईजैक वर्ड भी यही है कि जब्त करना, लेकिन हाईजैक जो है ना, ये प्लेन्स के लिए यूज करते हैं, प्लेन्स के लिए टर्म यूज करते हैं, मूवीज आपने देखी होंगी, प्लेन हाईजैक कर लिया, ठीक है, प्लेन हाईजैक कर लिया, आपने कंट्रोल में ले लिया। एक्सप्रोप्रिएट, टेक ओवर, टेक ओवर, टेक ओवर, किसी की बिलोंगिंग, किसी की पोजिशन आपने ले ली, ठीक है। एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, अगर कन्फिस्केट का मतलब है ले लेना, तो ऑपोजिट क्या होगा, दे देना, ठीक है। कन्फिस्केट में आप क्या कर रहे हो, जब्त कर रहे हो, किसी की बिलोंगिंग को ले रहे हो, तो ऑपोजिट में क्या कहोगे, दे देना या छोड़ देना, ठीक है। तो ऑपोजिट में गिव हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ऑफर हो सकता है, गिव कर रहे हो, दे रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, वापस कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। यहां पर ध्यान देंगे, एक्सप्रोप्रिएट, अजर्व, कुछ नए से वर्ड्स लग रहे हैं, एक्सप्रोप्रिएट, अजर्व, देखो यहाँ प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, यूसर्प नहीं पढ़ोगे, अजर्व पढ़ते हैं, अजर्व, अजर्व, यूसर्प नहीं पढ़ते, ठीक है। एक्सप्रोप्रिएट कुछ न्यू लग रहे हैं वर्ड्स, हाईजैक तो समझ में आता है, मूवीज बनी है, हाईजैक कर लिया प्लेन को, बहुत ही आसान है। सीज भी कई बार हम यूज करते हैं, टेक ओवर ध्यान रखेंगे, टेक ओवर फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल सकता है, टेक ओवर। अजर्व और एक्सप्रोप्रिएट को समझ लेते हैं, अजर्व और एक्सप्रोप्रिएट को समझ लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एक एग्जाम्पल है, आफ्टर द किंग डाइज, आफ्टर द किंग डाइज हिज ब्रदर विल अजर्व द थ्रोन फ्रॉम द प्रिंस, फ्रॉम द प्रिंस, अगर किंग की डेथ हुई है, मूवीज वगैरह देखा है ना, राजा मर गया तो अब पूरा पावर किसके हाथ में जाएगी, बेटे के, प्रिंस के हाथ में, ठीक है, लेकिन धोखा कर लेते हैं भाई लोग,
तो मूवीज में तो ये सारी चीजें कॉमन है, यू मस्ट बी फेमिलियर। तो यहां पर ध्यान दो, अजर्ब। अजर्ब का मतलब जो होता है ना, कन्फिस्केट क्या था, जब्त कर लेना, ठीक है। अजर्ब का मतलब भी यही है, जब्त कर लेना, लेकिन थोड़ा डेप्थ में समझेंगे तो अजर्ब का मतलब होता है, अजर्ब का मतलब होता है किसी की पावर ले लेना या किसी की पोजीशन ले लेना। किसी की पावर ले ली आपने, किसी की पोजीशन ले ली, ठीक है। तो किंग के मरने के बाद, किंग के डेथ के बाद, उसके ब्रदर ने उसकी सारी पोजीशन पावर ले ली, जो कि किसके पास जानी थी, प्रिंस के पास जानी थी। तो प्रिंस से बेटे के पास जानी थी, तो बेटे से भाई ने सारी पावर अजर्ब कर ली, ठीक है, छीन ली, क्लियर। ही वॉज डिस्कवर्ड टू हैव बीन एक्सप्रोप्रिएटिंग कंपनी फंड्स। एक्सप्रोप्रिएटिंग, एक्सप्रोप्रिएटिंग का भी यही मतलब है कि किसी और की चीज को आप यूज कर रहे हो। यहां पर भी अजब यही था ना कि किसी और की चीज, पावर किसकी होनी थी, प्रिंस की, बेटे की होनी, प्रिंस की थी, लेकिन उन्होंने, ब्रदर ने कैप्चर कर ली, सीज कर ली, छीन ली, ठीक है, यूज करा, तो दूसरे की चीज को यूज किया। यहां पर एक्सप्रोप्रिएटिंग का भी मतलब यही है, दूसरे की चीज यूज कर रहे हो बिना उसे बताए। एग्जाम्पल देख लो, ही डिस्कवर्ड टू हैव बीन एक्सप्रोप्रिएटिंग कंपनी फंड्स। कंपनी के फंड्स जो है ना, वो एक्सप्रोप्रिएट कर रहा है, मतलब कंपनी के, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के पैसे लेके आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो और ओनर को पता ही नहीं है, बॉस को पता ही नहीं है, मतलब कंपनी की चीजें यूज कर रहे हो दूसरों के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, विदाउट पेइंग टू द बॉस, विदाउट टेलिंग द बॉस, बॉस को बताए बिना, बॉस को पे किए बिना, आप कंपनी के फंड्स को या कंपनी की चीजों को यूज करके दूसरों की हेल्प कर रहे हो। नॉट ओनली कंपनी, ये और भी सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हो। एक्सप्रोप्रिएटिंग का मतलब भी यही होता है कि किसी और की चीज, किसी और की बिलोंगिंग आप यूज करके किसी और का भला कर रहे हो और उसको बता भी नहीं रहो, जिसकी वो चीज है उसको आप बता भी नहीं रहो, उसे पे भी नहीं कर रहे हो, क्लियर। एक्सप्रोप्रिएटिंग क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो आज की क्लास में हमने कई सारे वर्ड्स देख लिए, फिकल, चेंज, चेंज से रिलेटेड हमने वर्ड देखा, मर्क्यूरियल, कैप्रिशियस, वॉलेटाइल, रिलायबल, फूड से रिलेटेड, अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, उससे लिए हमने वर्ड्स देखे, ग्लूटेन, गोमेट, गोमेंट, डाइटर, देन जब्त करने के लिए कन्फिस्केट, सीज, अजर्ब, हाईजैक, एक्सप्रोप्रिएट, टेक ओवर। वोकैबुलरी की बात करें तो कई बार कंपटीशन में सेनेनिम्स में चार ऑप्शंस में देखने को मिलता है, एक तो पूछा ही आपसे सेनेनिम, चार ऑप्शंस भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। एंटोनिम्स स्पेलिंग करेक्शन में पूछे जा सकते हैं, तो वोकैबुलरी पे वर्ड्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए, स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, ठीक है, और एक टर्म से रिलेटेड कई सारे वोकैबुलरी वर्ड्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। मजा आया, ऐसे वर्ड्स को याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाती हैं, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है, आप अपनी वोकैबुलरी पे कमांड कर सकते हो। मेरे साथ जुड़िए एग्जाम्पल के इस प्लेटफॉर्म पे डेली 7 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, वोकैबुलरी विद इरम मैम, इन सेशंस में जुड़ के अपनी वोकैबुलरी पे कमांड पाइए, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, फॉर दैट वोकैबुलरी पे कमांड करना जरूरी है, एंड कमांड करना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, आप कर लोगे, ठीक है। तो इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, डू अटेंड माई प्रीवियस क्लासेस एज वेल, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और यहाँ पे ना बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप अलग अलग डिफरेंट टीचर्स से भी कनेक्ट हो सकते हो। एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज, फ्री सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्विजेस होंगे विद स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड आप एनालाइज कर पाओगे कि कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। फ्री लाइव क्लासेस हैं, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिलते हैं, डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो काफी कुछ है। इफ यू आर न्यू, यू कैन डाउनलोड द ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल, एंड किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर सेशन पसंद आया लाइक करना, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, वोकैबुलरी में बहुत से कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।